फ्रेंड, मैं आमोद, मंजरी का हस्बैंड, और मैं अभी जो हूँ बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ मैं आया हूँ, मुझे पटना जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गया से जो ट्रेन आती है वो जहानाबाद स्टेशन पे रुकती है, स्टॉपेज है। जहानाबाद भी अच्छा एक स्टेशन है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी पुराना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अच्छा मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, लोग जहानाबाद से जो है दोनों तरफ के लिए ट्रेन खुलती है, एक जो है आपका गया के लिए खुलती है और एक जो है पटना के लिए। मेन इसका जो रूट है वो है आपका, क्या बोलते हैं, वो जो मेन जो रूट है आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, गया से पटना के लिए मेन रूट है यहाँ पे, ठीक है। गया से पटना के लिए रूट है और गया से पटना के लिए जो है, गया से पटना के लिए जो रूट है दोस्तों, गया से पटना के लिए जो रूट है, बीच में जहानाबाद आते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे होल्ट आते हैं। जैसे पटना से खुलती है ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन जो कि बिजली से चलती है, और वो जो है दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन पे, बहुत सारे गांव से होते हुए गुजरती है, और हजारों और लाखों लोग जो है ट्रेन से जुड़े हुए हैं यातायात के, उनको जो है यातायात आने जाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, ऑफिस जाने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा है। वो जो है जैसे पटना से ट्रेन खुलने के बाद परसा, कोठी, नदमा है ना, तरेगना, बहुत सारे छोटे मोटे होल्ट हैं जो जहाँ पर जो है ट्रेन रुकती है, लोग अपने घर को जाते हैं, घर से अपने ऑफिस के लिए, अपने पटना सिटी के लिए ट्रेन को पकड़ते हैं, और बहुत ही अच्छा सुविधा है। लोग ट्रेन से जुड़े हुए हैं और कम पैसे में काफ़ी अच्छा सुविधा मिलता है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं। और जितने भी पटना से गया वाले रूट में जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, काफ़ी ट्रेन से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी सुविधा है, और अपने आप में काफ़ी उनके अंदर एक उत्साह है, एक अपने आप में प्राउड फील करते हैं। और सब लोग जो है मिलजुल करके, बहुत सारे महिलाएं हैं जो टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, बहुत सारी महिलाएं, माँ बहन जो हैं, बहन हैं हमारे, माता समान हैं, जो बुजुर्ग हैं वो माता समान हैं, वो भी जो है ट्रेन से आना जाना करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक जो है अपने परिवार के लिए काफ़ी जो है सहयोग प्रदान कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और परिवार को सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दो पैसे अर्निंग हो रही है, कुछ पैसे भी अर्निंग हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं महिलाएं, और ट्रेन से उनका जो है आना जाना होता है। जो ट्रेन रूट में जो गांव है वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं, आना जाना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं जो हूँ बिहार के जहानाबाद स्टेशन से मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी यहाँ अच्छा सुविधा है, बिहार अब काफ़ी डेवलप कर रहा है, और जो है इसमें जो है मैंने हर लोग जो है सहयोग में, बिहार को विकास करने में सहयोग कर रहे हैं, साफ सफाई का भी लोग ध्यान रखते हैं, डस्टबिन है, कहाँ क्या कचरा डालना है, लोग ऑनेस्टली जो है अपना टिकट वगैरह ले रहे हैं, तो हर तरीके से लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं विकास करने के लिए, बिजली की भी अच्छा व्यवस्था हो गई है। इसलिए दोस्तों अब जो है बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। और मैं दोस्तों क्या बताऊं, जो है जहानाबाद का जो है काफ़ी फेमस है, आपका कचौड़ी है, लिट्टी है, जलेबी है, और यहाँ बहुत सारे व्यंजन भी हैं, स्वीट्स हैं, जैसे कालाकंद है, रसमलाई है, बर्फी है, बहुत सारे स्वीट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, और बहुत सारे यहाँ से जो है लग्जरी बस भी खुलती है पटना के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए रेलवे स्टेशन आया हूँ कि पटना एक काफ़ी बड़ा शहर है, पुराना शहर है, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तब से ही पटना जो है राजधानी रही है,
इसलिए दोस्तों जो है काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, ट्रैफिक होता है, इस वजह से हम ट्रेन से सफ़र करना चाह रहे हैं। ट्रेन जो है हम लेना चाह रहे हैं पटना के लिए, और समय का भी बचत होगा, धन का भी बचत होगा। बस किराया काफ़ी महंगा होता है कंपेयर करें ट्रेन से तो, और काफ़ी जो है अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगे आपको तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, है ना, और जो भी इसमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। मान लीजिए जो चीज़ें हमारी आपकी अच्छा नहीं लगी, या और कुछ आप देखना चाहते हैं जहानाबाद के बारे में, या और कुछ हमसे जानना चाहते हैं जहानाबाद के बारे में, तो दोस्तों हम ज़रूर आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बताएं कि जहानाबाद के बारे में कौन सी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के खान पान के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के पहनावा ओढ़ावा के बारे में जानना चाहते हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम आपको इस वीडियो के द्वारा, और जो हमारे वाइफ का जो चैनल है मंजरी का चैनल के माध्यम से, हम आपको बहुत सारी जानकारी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी जो हम पटना जाने वाले हैं, पटना में भी हो सकता है कुछ हम चीज़ों आपके लिए रिकॉर्ड करें, कुछ जानकारी दें, इसलिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से जो भी बिहार के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे कि बिहार में बोध गया है, भगवान बुद्ध का जो है स्थल है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार से जुड़ा हुआ जो हम आपको आपके कमेंट बॉक्स में, और दर्शकों के जो रिक्वायरमेंट है, दर्शक जो जानना चाहते हैं, उसके माध्यम से जो है हम आपको जो है बताएंगे जहानाबाद के बारे में, पटना के बारे में। इसलिए दोस्तों जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के, और मंजरी के चैनल के द्वारा जो है आप हमें बताएं, और मंजरी के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं उनका आमोद हस्बैंड बोल रहा हूँ, और जो है आप लोग का शुभकामना और प्यार चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जहानाबाद से बोल रहा हूँ। ये देखिए जहानाबाद, यहाँ पर जो है डाक सुविधा भी है, काफ़ी साफ सफाई है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए काफ़ी साफ सफाई है, बिल्कुल बहुत साफ सफाई है। लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ के लोग बहुत स्नेह प्रेम है, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, गाइड करते हैं। जैसे मैं आया, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है मेरे को बताया कि आपको जो है इंटरसिटी ट्रेन मिलेगी, लोकल आपको 8:30 में खुलेगी, उसके बाद जो है आपको 9:45 में पैसेंजर ट्रेन है, और एक ट्रेन जो है 7:15 में निकल गई जो मैं मिस कर गया। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, कुछ भी पूछेंगे आपको सही जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मंजरी के चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी बिहार के बारे में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा होम टाउन हुआ हमारे। चलिए इस वीडियो को हम यही जो है समाप्त करते हैं, थैंक यू।